दिखाते हैं आपको एक मिनट में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद यूपी में गाड़ियों से हूटर और लाल नीली बत्तियां हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी कार्रवाई के बीच एक नया विवाद अब शुरू हो गया। क्या है विवाद, रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाराबंकी के नगर कोतवाली में तैनात दो पुलिसकर्मियों ने बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम की गाड़ी से नीली बत्ती उतरवाई, इसके बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। पुलिसकर्मियों ने जिस गाड़ी से हूटर और नीली बत्ती हटवाई थी वो गाड़ी रामनगर तहसील में तैनात एसडीएम मधुमिता सिंह की थी। एसडीएम मधुमिता सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन अब इस एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं कि जब आदेश सीएम ने दिए तो पुलिसकर्मियों पर एक्शन क्यों? क्या एसडीएम खुद को नियमों से ऊपर समझती? क्या एसडीएम साहिबा बिना वजह जूनियर अधिकारियों को सजा देंगी? और जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है तो फिर एसपी को दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का अधिकार किसने दे दिया? मुझे लगता है नियमों का पालन जो पुलिस के अधिकारी नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो बाराबंकी एसपी ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों पर गलत व्यवहार करने की वजह से एक्शन हुआ है। अब ये दलील यूपी सरकार को हजम होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की सख्ती के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने का आदेश देने के बाद अब देखिए किस तरह से लाल नीली बत्ती हूटर पुलिस कलर्स के खिलाफ अब पूरी यूपी में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीते 11 जून से ये अभियान चलाया जा रहा है निधि, और किस तरह से पुलिस अब इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं उन्हें खासी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और आइए बताएं विस्तार के साथ आपको किस तरीके से अब तक 2,75,472 गाड़ियों की जांच की गई है और अवैध लाल नीली बत्ती हूटर लगी गाड़ियों के चालान किए गए हैं। प्रदेश भर में कुल 19,864 गाड़ियों का चालान किया गया। और आपको ये भी बता दें कि कुल 1,03,00,000 का जुर्माना वसूला गया है। वहीं पुलिस कलर्स के गलत इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना लगा है। 1,01,043 दोपहिया वाहन है उनकी भी जांच की गई है और ये वो आंकड़े हैं हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो निर्देश दिए गए थे उसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, उसकी ये तमाम जानकारी आपके सामने। तो 9,356 वाहनों का चालान किया गया, 45,58,000 रुपए जुर्माने वसूले गए हैं। ये पूरी जानकारियां आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से थी। ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की दामों में इजाफा हुआ है और ये दाम जो है प्रति किलो 1 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि गुरुग्राम करनाल और कैथल में सीएनजी की कीमत नहीं बढ़ाई गई, वहीं सीएनजी की कीमतों में ये बढ़ोतरी आज सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। तो दिल्ली में अभी तक दिल्ली की बात अगर हम करें तो 74.09 रुपए प्रति किलो पर मिल रही थी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से बताते हैं कि किन किन शहरों में सीएनजी की कीमतें क्या क्या रहेंगी। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें अगर दिल्ली की हम बात करें तो पहले 74.09 ये रेट था, लेकिन अब रेट में बदलाव हुआ है, 75.09 यानी कि 75.09 रुपए अब ये कीमत हो गई है। ये बड़ा बदलाव आज से 6 बजे से लागू हो गया है। नोएडा के दाम आपके सामने इस वक्त है 78.70 रुपए और पहले के दाम, और अगर अब की बात करें तो 79.70 रुपए ये दाम अब पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, वहां पे पहले के दाम थे 78.70 रुपए तो वही अब ये दाम 79.70 रुपए पहुंच गए हैं। रेवाड़ी की भी हम बात कर ले तो देखिए वहां भी कैसे 78.70 रुपए ये दाम थे, लेकिन अब ये भी बढ़ गया है और 79.70 रुपए ये दाम बढ़ गया और लगातार अलग अलग इलाकों में ऐसे ही इजाफा हो रहा है। तमाम डिटेल्स हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। मेरठ की अब तस्वीर आपके सामने है, वहां का रेट क्या था और क्या हुआ। 79.08 रुपए पहले था, अब क्या हुआ देखिए, अब 80 को पार कर गया है, 80.08 रुपए ये दाम पहुंच गए हैं। तो देखिए दुनिया में भारत ही अकेला देश नहीं है जहां पर भीषण गर्मी यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका में भी लोग गर्मी की वजह से बेहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो झेल रहे हैं लोग, और इसको लेकर जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू की जो क्लाइमेट मॉनिटरिंग सर्विसेज है, उसने एक रिपोर्ट को तैयार किया, जारी किया, देखिए जरा। दुनिया भर में हीट वेव पर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में इतनी भीषण गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी है।
यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट मॉनिटरिंग सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में औसत तापमान ने 2000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया के 4 महाद्वीप में भीषण गर्मी पड़ रही है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप में लोग गर्मी से बेहाल हैं। भीषण गर्मी की वजह से दुनिया के कई देशों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मिस्र में गर्मी की वजह से करीब 530 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 8 करोड़ लोगों के लिए गर्मी की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सऊदी अरब में भीषण गर्मी हज यात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है। यहां तापमान बढ़ने की वजह से हज करने आए लोगों की मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया, जिनमें 90 से ज्यादा भारतीय श्रद्धालु भी शामिल। इस साल मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं भारत के उत्तरी राज्यों में भीषण गर्मी की वजह से औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। देश में भीषण गर्मी की वजह से अब तक 145 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारे आसपास किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर एक बात कही जाती है, दिमाग ठंडा रखो, अंग्रेजी में कहते हैं कूल डाउन। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि ठंड इंसान के दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि किस तरह से बढ़ती गर्मी की वजह से न केवल याददाश्त कम हो रही है बल्कि सोचने और समझने की क्षमता पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने की वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सैल हो रहा है और साथ ही आक्रामक भी हो जाता है। साथ ही गर्मी की वजह से मर्डर, अटैक, घरेलू हिंसा के भी मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल तापमान 4 डिग्री बढ़ने से सोचने की समझने की क्षमता 10% तक कम हो जाती है। तो कैसे गर्मी आपके दिमाग पर असर डाल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों के फैसले लेने की क्षमता पर भी इसका खासा असर होता है, ये क्षमता कम हो जाती है। तो वहीं जो लोग दिल और दिमाग से जुड़ी किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है उनकी गर्मी में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत होने की भी आशंका बढ़ जाती है। जबकि एक स्टडी की बात करें उसके अनुसार बढ़ती गर्मी की वजह से जो स्टूडेंट है वो सही से पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं और इसके चलते स्टूडेंट्स का प्रदर्शन अच्छा और है नहीं पा रहा है। तो देखिए, बढ़ती गर्मी का जो प्रकोप है, लेकर निधि साफ तौर पर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर साथ ही साथ आपको अपने दिमाग पर कहीं ना कहीं शांत रखने की जरूरत है और इसीलिए कहते हैं कि कूल डाउन हो जाइए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं एक मिनट में एक रिपोर्ट, खबर ब्रिटेन से जहां पर 4 जुलाई को आम चुनाव है। और आपको बता दें इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अब तक एआई एंकर और एआई आर्मी कमांडर की खबरें सामने आई थी लेकिन अब एआई मॉडल की पहुंच राजनीति तक हो गई है। क्या हो अगर आपके क्षेत्र का सांसद एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल? क्या हो जब आपको अपनी शिकायत एक एआई सांसद से करनी पड़े? क्या ऐसा हो सकता है? आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन एआई के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा ब्रिटेन में हो सकता है। चुनाव में एआई उम्मीदवार की बात पूरी तरह सच है और एआई के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ऐसा करने वाले ब्रिटेन के बिजनेसमैन स्टीव एंडरकॉट नाम के ये शख्स हैं। इन्होंने अपनी जगह एआई को उम्मीदवार बनाया है। स्टीव एंडरकॉट ब्राइटन पवेलियन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में नाम की जगह एआई स्टीव लिखा है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई एआई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। स्टीव एंडरकॉट का प्लान चुनाव के बाद एआई उम्मीदवारों की भर्ती करने का है। इनका मानना है कि ऐसा करके एक बड़ी शुरुआत की जा सकती है। और देखिए, लोकसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है लेकिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। कांग्रेस पर ताजा हमला केंद्रीय मंत्री ने किया है। देखिए किरेन रिजिजू ने हमला बोला, क्या कहा देखिए। एनडीए गठबंधन लोकसभा में स्पीकर के नाम को लेकर अभी मंथन कर रहा है लेकिन उससे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस के साथ उसकी जंग तेज हो गई। प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा। नियम के मुताबिक श्री भर्तृहरि मेहताब 7 बार कंसेक्यूटिव एमपी बने हैं और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्योर कंसेक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि मेहताब का है। सुरेश कुडिकोनल जी जो कांग्रेस के सदस्य है उसका टोटल टर्म 8 है लेकिन उसका 2 बार ब्रेक हुआ है 98 में 2004 में। इसी दौरान किरेन रिजिजू ने यूपीए सरकार के दौरान वरिष्ठ सांसद होते हुए भी जॉर्ज फर्नांडिस को प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया। तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए, 17 दिन का समय बीत गया है लेकिन यूपी की तमाम सीट्स पर जो हार हासिल हुई है उस पर रार नहीं थम रही है। बिल्कुल, चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट आखिर क्यों हारे इसकी अब बीजेपी की स्पेशल एटी टीम ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है।
लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन के बाद स्पेशल एटी टीम बनाई थी, जिसने अब अपनी रिपोर्ट लखनऊ प्रदेश मुख्यालय को भेज दी है। चर्चा है कि इस रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और पूर्व सांसदों के बीच विवाद को बीजेपी कैंडिडेट की हार के लिए जिम्मेदार बताया। रिपोर्ट में इस बात का भी कहीं न कहीं जिक्र किया गया है कि कई जिलों में मंत्री, विधायक और सांसदों के बीच ही एकजुटता नहीं थी और आपसी लड़ाई ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी जल्द ही सर्जरी करेगी। खबर तो यहां तक है कि अगर भीतरघात और अनुशासनहीनता पाई गई तो बड़े से बड़े नेता पर भी संगठन और पार्टी आलाकमान एक्शन ले सकता है। यानी इतना तो तय है कि बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक जल्द ही यूपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही सियासी शीतयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कुछ दिनों पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी नेता संगीत सोम के बीच लड़ाई सामने आई थी, तो वहीं अब सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में समीक्षा बैठक के लिए जुटे बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। Z News।